नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। मैं केपी तोमर हर खबर से। आइए बात करते हैं शिवसेना के नेता हरगोविंद अरोड़ा जी से। नमस्कार। दिल्ली नगर निगम में शिवसेना ने इस बार लगभग अपने 60 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है और हम पूरी आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता हमें आशीर्वाद देगी और चुनकर भेजेगी, और उसके लिए हमारे निगम पार्षद पूरे अपनी ऊर्जा से काम करेंगे और दिल्ली को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। अरोड़ा जी, आपका एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा होगा? सबसे अहम मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मुद्दे एमसीडी चुनाव में सबसे गंभीर तो यह है कि दिल्ली गंदगी का ढेर बनती जा रही है। दुर्भाग्यवश अभी हाल ही में जो दिल्ली में दो बड़े चुनाव हुए, दो बड़े एक ऐसे नेता आए आंधी की तरह, एक झाड़ू दिखाकर आया और एक ने आकर लोगों के हाथ में झाड़ू दे दी। दिल्ली तो वही गंदगी का ढेर ही बनी हुई है। सबसे पहले तो दिल्ली को साफ कर दिल्ली बनाना है, गंदगी के ढेर से निकाल के उसको दिल्ली शहर बनाना है, उसको पुराने अस्तित्व में वापस लाना है। पिछले 10 साल से एमसीडी चुनाव में बीजेपी की सरकार है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये भ्रष्टाचार तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मान चुके हैं कि उनके पार्षदों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए उन्होंने अपने किसी पुराने पार्षद को टिकट नहीं दिया। यदि आप भी जाएंगे क्षेत्र में, लोगों से बात करेंगे, तो वो इस 10 वर्ष के बीजेपी के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है और इनके महापौर तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। पिछले 2 साल पहले दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, एक नई पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी। वो ये बोलती थी कि हम कुछ नया करेंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, उन लोगों के विषय में क्या बात करें, देश का सबसे स्पष्ट बहुमत 70 में 67 विधायक जिस पार्टी के जीत कर आए और वो एक असहाय आदमी की तरह बहानेबाज, एक बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ता, जब वो एग्जाम देने जाता है तो वो बहाने लगाता है, जी ये हो गया वो हो गया। 67 विधायक यदि शिवसेना की दिल्ली में होते तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली का नक्शा क्या होता। कल एक कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है उसको भी कैंसिल कर दिया एलजी ने, आपका क्या कहना है उस पर? छोड़िए जी, ऐसे लोगों के विषय में बात करके हम अपनी ऊर्जा खराब नहीं करना चाहते। ये वो लोग हैं जो निकम्मे और नालायक लोग हैं, जो किसी काम के नहीं है। आप किसी और विषय पे बात कीजिए। शिवसेना एनडीए के पार्टनर होते हैं, उसके बाद भी हर मुद्दे पे एनडीए का विरोध भी करती है, ऐसा क्यों? एनडीए का विरोध नहीं जी, सरकार में हम जो शामिल हैं, जनता ने काफी अपेक्षाएं हमसे रखी हैं और शिवसेना स्वयं एक 50-55 वर्ष पुरानी पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर हम चलते हैं। शिवसेना के लिए पहले देश है, उसके बाद सत्ता का सुख है। यदि देश के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा या कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो देश हित में ना हो, तो शिवसेना उसका विरोध जरूर करेगी। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया कि पत्थरबाजे अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपका क्या कहना है उसमें? देखिए जी, पहले तो आप थोड़ा सा अपनी याददाश्त को पीछे लेकर जाएं। धारा 370 का विरोध देश में केवल 2 पार्टियां करती थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। ये कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे थे जिनको लेकर ये गठबंधन बना और शिवसेना सबसे पुराना पार्टनर इसीलिए थी कि हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे थे। अब देश की जनता ने इसी हमारे एजेंडे को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए वोट दिए, बड़ी आशा बड़ी उम्मीद से कि धारा 370 हटेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ता का सुख भोगने के लिए कश्मीर में उस विपरीत विचारधारा के साथ गठबंधन हुआ, जो एक उस गे मैरिज की तरह है जिसमें हनीमून तो होगा लेकिन उसमें बच्चे नहीं हो सकते। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करोगे कि क्या कश्मीर में पत्थरबाजी रोकेंगे? दुर्भाग्य कि देश के गद्दारों को, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को यहां पर पाल पोस रहे हैं जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, और कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, अखंड भारत। कश्मीर के बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, और यदि उसके विरोध में जो भी बोले वो जेल के अंदर ना हो, केंद्र में ऐसी सरकार होते हुए भी, तो फिर और क्या हम किन सरकारों का विरोध कर रहे थे? उससे तो पहले वो सरकारें ही अच्छी थी। कश्मीर में पत्थरबाजी भी हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आया उसमें? आइए अरोड़ा जी, दोबारा एमसीडी चुनाव पे आते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आपके 60 कैंडिडेट आपने उतारे हैं,
अगर उसमें से कुछ कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो आपका समर्थन किस पार्टी को होगा? हमारा समर्थन केवल दिल्ली के लिए है, किसी पार्टी के लिए समर्थन नहीं है। हम चाहेंगे दिल्ली के विकास में सभी मिलजुल कर काम करें, लेकिन दुर्भाग्य ये है दिल्ली का, हमें चुनाव मैदान में क्यों आना पड़ा, क्योंकि इतने वर्षों से इन सब का मुंह देख रहे हैं, कोई कुछ काम ही नहीं करना चाहता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बीएमसी का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, बंबई में यदि आप, मुंबई में यदि आप जाएं, जहां जहां भी शिवसेना के नगर सेवक हैं वहां केवल कारपोरेशन का ही काम नहीं, वहां लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में है। पुलिस का तो वहां कोई काम ही नहीं है, पुलिस का काम है सिर्फ चलान फाड़ना, बस लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है। ये शिवसेना की एक अपनी पहचान है। रोडा जी, अगर कोई भी पार्टी एमसीडी चुनाव में सत्ता में नहीं आई, मैं आपसे फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, तो आप किसका समर्थन करोगे? शिवसेना दिल्ली की जरूरत है आज, यदि दिल्ली की जनता, क्षेत्र की जनता अपना विकास, अपना सम्मान और अपनी सुरक्षा चाहती है तो उसे शिवसेना को मेरा निवेदन है कि चुनना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए। रही बात किसको समर्थन करते हैं, चुनाव परिणाम आने के पश्चात ये सब देखा जाएगा, अभी तो हम केवल अपनी पूरी ऊर्जा चुनाव में लगा रहे हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आप कह रहे शिवसेना दिल्ली की जरूरत है, लेकिन शिवसेना तो ने तो सिर्फ अपने 60 ही कैंडिडेट मैदान में उतारे है, सत्ता में तो आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे ही एक सीमित ऊर्जा थी, उसको अलग अलग दिशा में खराब करने के बजाय हमारे नेतृत्व ने यह तय किया कि जहां से हमारे जीतने की ज्यादा संभावनाएं हैं, जहां क्षेत्र में हमें जनता का ज्यादा प्यार मिल रहा है, वहां से हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब चुनाव परिणाम आने दो, ये तो बहुत बात की बात है। पहला ध्यान कि दिल्ली की ये जो समस्याएं हैं जिससे दिल्ली की जनता रोज परेशान है, ना उसको चलने के लिए पटरी मिलती है, ना उसको साफ नाले मिलते हैं, अब तो दिल्ली में हवा सांस लेने के लिए वो तक इतनी दूषित हो गई है, दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल हो गया। सबसे पहला काम शिवसेना का क्या होगा अगर उसके कुछ एमसीडी में निगम पार्षद जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी सभी काम 2400 घंटे दिल्ली की जनता की सेवा, सेवा और केवल सेवा। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, 11 मार्च को यूपी चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएगा, अब उस पर बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे योगी आदित्यनाथ और मोदी जी, आपका क्या कहना है उसको लेकर? शिवसेना की तो स्थापना ही इसलिए हुई, हम तो स्वयं भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं और ये हिंदू राष्ट्र ही है, शिवसेना की कल्पना ही हिंदू राष्ट्र की है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कुछ राजनीतिक दल पहले या बाद में इस पर बात करेंगे या चलेंगे, तो शिवसेना का तो मूल एजेंडा यही है, उसकी स्थापना का कारण यही है, हिंदू राष्ट्र। योगी जी से आप सहमत हो? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा काम करने वाले देश में सारे राजनेता हो जाएं तो ये भारत हिंदू राष्ट्र क्या, ये स्वर्ग बन जाएगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे, आप कह रहे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो है नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र तो है भारत, क्यों हम उस पर कंफ्यूजन बना रहे हैं? 47 में विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, उनको अपना देश अच्छा लगा, वो वहां चले गए, हिंदू लोगों को यहां देश मिल गया, वो अच्छा लग गया। ये तो पिछले 70 वर्ष से पॉलिटिशियनों की ये देन रही कि इसको जबरदस्ती गोलमेल गोलमेल करता गया, हिंदू का ही राष्ट्र है और हिंदू का ही ये राष्ट्र रहेगा, और उसमें सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का स्वागत है, वो रहें, लेकिन अपना राष्ट्र मानकर। देश से गद्दारी करने वाला हिंदू भी उतना ही देश के लिए देशद्रोही है जितना कि किसी और धर्म का व्यक्ति। जो भारत माता से प्यार नहीं कर सकता उसको यहां रहने का कोई अधिकार ही नहीं। अरोड़ा जी, आपने हर खबर में बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एमसीडी चुनाव के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हर खबर को उसकी सफलता के लिए भी शिवसेना की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं केपी तोमर अपने सहयोगी आजाद सिंह के साथ, हर खबर दिल्ली।